ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मनोकामना पूर्ण करने के हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष को पूर्ण करने के लिए कौन से मंत्रों का हम प्रयोग करें, किस मंत्रों के माध्यम से हमारी मन चाही मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो वो कौन से मंत्र है, वो कौन से तरीके हैं, उन सभी पर इस 3 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो मनोकामना संबंधित जितनी सारे प्रश्न हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में बहुत आसानी से मिल जाएगा। कई बार हम कोशिश करते हैं ईश्वर से मांगने की, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि भगवान हमारा कुछ ऐसा हो जाए, ये हो जाए। माता अपने बच्चों के लिए मांगता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, पिता अपने बच्चों के लिए, भाई बहन, हर रिश्तेदार, हर नातेदार, हर व्यापारी, हर एक मंजिल पर हम एक विश जरूर जरूर रखते हैं। तो ये एक सतत चलने वाला प्रक्रिया है। एक विश पूरी हुई या वो नहीं हुई तो दूसरी चालू हो गई। तो हम किस तरीके से चीज़ों को करें ताकि हमारी जो विश है, जो हम चीज़ मांग रहे हैं, वो पूर्ण हो जाए और भगवान की कृपा हम पर हो जाए। सबसे पहला और मुख्य तरीका है कि कोई भी विश जो मांगी जाए, इसमें मैं नोट करके ये बात कहना चाहता हूँ, वो सकारात्मक होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का अहित चाहे कि भगवान आप उसका ऐसा कर दो, वो कर दो, ये चीज़ें इसमें लागू नहीं होती और न ही इससे यह सिद्ध होगी। ये पहले ही नोट आपको कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला और मुख्य तरीका है कि दोस्तों, जब भी कोई भी विश मांग ले ईश्वर से कि हे भगवान मेरी ये चीज़ आप पूर्ण कर दे, सकारात्मक, और उसके बाद आप 125,000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। 125,000 बार ओम नमः शिवाय जाप करना बहुत आसान है। ओम नमः शिवाय चलते उठते बैठते जैसे आपको लगे ऐसे आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि उस मंत्र जप के दौरान कोशिश करें कि हमारे जितने विचार हैं, जो चीज़ें हम हमारे मन में चल रही हैं, उनको रोक कर करें। ये रोकना बहुत मुश्किल है पर कठिन नहीं है। दूसरी बात, इसमें शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चली रहा, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। दूसरा तरीका है गरीबों को भोजन। सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने का सबसे आसान तरीका है गरीबों को भोजन, क्योंकि गरीब जो दुआएं हमें देते हैं उसका कोई मोल नहीं है, और वो जो हमें रिफ्लेक्ट होकर जब उस दुआओं का असर होता है तो हमारी वो सकारात्मक मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। नोट, मनोकामना पूर्ण होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अकर्म बने रहें, अपना कर्म करते रहें। हमारा जो लक है वही मनोकामना है, तो लक हमारे फेवर में होगा, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मकता जो उस काम में लगी हुई है उसका हमें सही और सही फल मिलेगा। इसके अलावा बात और कहूँ मैं एक और तरीके की बात हूँ तो वो तरीका है अपने माता पिता की सेवा और माता पिता के प्रति पूर्ण वफादार होना। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।